दंतेवाड़ा जिले में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज पी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कटे कल्याण एरिया कमेटी के प्रबंधित नक्सली संगठन में 1,00,000 की इनामी महिला नक्सली ने डीआरजी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा आत्मसमर्पित नक्सली महिला को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदान कराए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोन वारंटू अभियान के तहत अब तक 172 इनामी नक्सली सहित कुल 676 अन्य नक्सली आत्मसमर्पण करके समाज के मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। दंतेवाड़ा से संवाददाता विजय पचौरी की रिपोर्ट। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान, छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति और दंतेवाड़ा पुलिस के लोन वारंटू अभियान से प्रभावित होकर आज प्रतिबंधित माओवादी संगठन कटे कल्याण एरिया कमेटी से पुसगुन्ना केमिस अध्यक्षा के रूप में कार्यरत एक महिला माओवादी द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। उक्त पद पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1,00,000 का इनाम घोषित है। इसको आत्मसमर्पण कराने में सीआरपीएफ की 231वीं वाहिनी की आसूचना शाखा का विशेष योगदान रहा। लोन वाराटू अभियान के तहत अब तक 172 इनामी माओवादियों सहित कुल 676 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।